चलिए शुरू करते हैं जी। राजकुमार जी, आपके हिसाब से बिजनेस फेल होने की क्या क्या निशानियां हैं कि बिजनेस फेल होगा? फेल होगा, हाँ, एक बिजनेस ओनर में ऐसी क्या कमियां हैं कि उसकी वजह से बिजनेस फेल होगा? एग्जाम्पल, मैं उधार बहुत बांटता हूं, मेरे पास कोई पेमेंट रिकवरी का सिस्टम नहीं है, बस दे दिया और दे दिया, भूल गए दे के। ये एक एग्जाम्पल है, मेरे को आपसे पूछना है ये। और क्या है? डिसिप्लिन नहीं होना। वेरी गुड, वेरी गुड, नो डिसिप्लिन। अमनदीप लिखते रहना, ठीक है। राकेश जी, परचेज अंधाधुंध करना, माल संभाल की संभाल ना रखना, कस्टमर देख के माल ना देना, रिकवरी, वेरी गुड, ओवर परचेज करना और बस भागते रहना, वेरी गुड, ओवर परचेज करना और इन्वेंटरी पैसे ना मांगना। इन्वेंटरी में लीकेजेस भी अगर होती है, अगर इन्वेंटरी मैनेज नहीं हो पा रही है, हमारे पास जो स्टॉक है उसमें हो सकता है कि कहीं पे कुछ चोरी हो रही हो, कुछ और कुछ लीकेजेस हो, हम ट्रैप तो स्टॉक मैनेजमेंट ना करना। अश्वनी सर, पेमेंट डिले होने के बाद भी कुछ एक्शन लेना, काम करते जाना। वेरी गुड, नो एक्शन ऑन पेमेंट डिलेज, और फिर भी उसको माल दे देना सामने वाले को। महेश जी, सिस्टम नहीं है अपने पास, सिस्टम ना होना। गौरव जी, सेम इज, मतलब अगर रिकवरीज नहीं आ रही हैं और वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाता है तो बिजनेस में होता है। आप लोग सब ठीक बोल रहे हैं। मैंने जो कॉमन पैटर्न मैंने जो ऑब्जर्व किया पिछले एक डेढ़ साल में, कि अगर ये 11 आदतें हैं बिजनेसमैन के अंदर, तो आज नहीं तो कल बिजनेस फेल होगा। इट डिपेंड्स कि वो फेल कब होगा, आज इस साल होगा या 2 साल बाद या 4 साल बाद होगा, बट फेल होगा। तो ये आपने जो बोली कि डिसिप्लिन नहीं है, सिस्टम नहीं है, अंधाधुंध परचेज करता है, स्टॉक मैनेजमेंट नहीं है, सिस्टम नहीं है, वो सब ठीक है, वो आपने नोट कर ली, वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है। मैं कुछ और ऐड कर रहा हूं। सबसे पहली, वेकिंग अप लेट। जो बंदा, इंसान लेट उठता है जीवन के अंदर, वो कामयाब होना मुश्किल है। ऐसी आप किसी का भी आप उठा के देख लो, जितने भी टॉप लाइन फॉर्च्यून 500 बिजनेस ओनर्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी टॉप रैंक बिलियनर्स हैं, वो सब एवरीबडी, एक दो को छोड़ दो, एवरीबडी देवेगा बैट 4 AM मैक्सिमम 5 AM एंड दे कंप्लीट देयर वर्क बाय 9 AM। 4 बजे उठ गए, फिटनेस फुटनेस करके, मेडिटेशन करके, 6 बजे काम शुरू किया, 9 बजे काम खत्म कर दिया। दे वोंट गो टू देयर फैक्ट्रीज, दे वोंट गो टू देयर ऑफिसेस, दे वर्क फ्रॉम देयर होम, बट दे कंप्लीट देयर वर्क टिल 9, मैक्सिमम 10 AM खत्म काम। सारा काम पक्के में है, डेलीगेशन किया, रिपोर्ट्स चेक की, मैं प्रॉफिट में हूं, मैंने कल कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने गए कल कितना प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट चेक कर लिया शीट के ऊपर, उसकी MIS ले ली टीम से ऊपर, सिस्टम लगा रखे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, बड़ी कीमती बात, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको इंप्लीमेंट करोगे, और कर लिया तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। दे हायर पीपल विच आर मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम देम, वो ऐसे बंदों को हायर करते हैं जो उनसे ज्यादा समझदार होते हैं। हम क्या करते हैं? हम वो बंदे हायर करते हैं जिनकी तनख्वाह कम होती है, पैसे कम मांग रहे होते हैं। यस और नो? अमेज़न के मालिक का नाम क्या है? जेफ बेजोस। उसके ढेर सारे इंटरव्यू हैं और वो हर इंटरव्यू में एक बात रिपीट करता है। वो क्या रिपीट करता है? कि मैं वो बंदे हायर करता हूं जो मुझे गाइड करते हैं, मुझे उनको गाइड ना करना पड़े, क्या करना है, दे गाइड मी। हर बार ये करता है ये बात, कि अमेज़न का सक्सेस ही इसी से हुआ है।
तो आप लोगों ने करना क्या है, लिखो अब एक बंदा ऐसा हायर करना है, मिनिमम एक बंदा जो आपकी कंपनी को ग्रो करेगा, जो आपके लिए प्लानिंग करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। मैं सेल्स के बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं सेल्स के मैनेजर की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस हेड की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस डेवलपमेंट के बंदे की बात कर रहा हूं, जो आपका बिजनेस डेवलप करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। एक ऐसा बंदा जिसका काम होगा ऑलराउंडर का, और आप उससे रोज मिलोगे, रोज बात करोगे कि बता भी आज क्या करना है। आपने एक बंदा ऐसा हायर करना है, तनख्वाह 40 से 60 हजार, एक महीने में वो आपके ऐसे वर्टिकल्स खुलवा देगा कि 40 हजार उसको आप दोगे और वो 4 लाख आपको कमा के दे देगा एक महीने के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आपको ये आदत पड़ गई, यू विल बी एट दिस लेवल, हो गया यार बस, अब छोड़ फैक्ट्री फुक्ट्री, अब तो बस यही करना है, घर से ही काम करना है। आपकी रिपोर्टिंग भी वो लेगा, फैक्ट्री में क्या हो रहा है वो रिपोर्टिंग लेगा, वो आपको रिपोर्ट करेगा ये हो रहा है। बट ये होगा कब पॉसिबल, जब आपका काम पक्के में होगा, कच्चे में ही पॉसिबल नहीं है, कच्चे में चोरी होगी। तो पहली आदत ये उठना जल्दी है, और अभी भी अगर 7 बजे उठ रहे हैं तो आप लेट उठ रहे हैं, 7 बजे 6 बजे इज लेट, 5 बजे 4 बजे 3 बजे इज गुड, 2 बजे उठ जाओ गुड, 2 बजे उठ के दोबारा सो जाओ, 7 बजे दोबारा सो जाओ काम खत्म करके, फिर उठो 9 बजे फ्रेश होके, फिर करो काम, फिर जाओ काम पे। मैं रोज सुबह सोता हूँ 1 घंटे के लिए, 8 से 9 या कभी 9 से 10, जल्दी उठ के शुरू किया अपना, भगवान का नाम लिया, थोड़ा बहुत काम किया, दोबारा सो गए 8 बजे, फिर उठ के 9 बजे फ्रेश हो गए दोबारा। तो जो लोग नहीं उठ रहे 5 बजे, अब उठना कैसे मैं आपको बताता हूँ 50 बार, उठना कैसे मैं वो नहीं बताऊंगा, बट उठना है 5 बजे। एक सिंपल सा सिस्टम बना लो, ऐसा कोई अपने पे लगा लो बैन कि हाँ भाई अगर मैं नहीं उठा तो एक काम रुक जाएगा। एग्जांपल, मैंने क्या लगाया बैन अपने ऊपर, कि मैंने गुरुद्वारे में जाके वहां दूध डालना है चाय के अंदर, मैं वो रोज करता हूँ, गुरुद्वारा चांदनी चौक में शीशगंज है, मेरी ड्यूटी है कि उठ के वहां जाके दूध मेरे पास रात को बना लेता हूँ, मैं दूध में डालना चाय के अंदर, तो अगर मैं जाऊंगा दूध वहां चाय नहीं बनेगी गुरुद्वारे के अंदर, गलती मेरी हो जाएगी, मेरे को गिल्टी फील होगी। तो बैन योर सेल्फ कि आपने उठ के मंदिर में गुरुद्वारे में कहीं पर आपने ये काम जाके करना ही करना है, नहीं तो काम रुक जाएगा वहां पर। वेकअप अर्ली, पहला। दूसरा था डूइंग ऑल द वर्क योर सेल्फ, डेलीगेट एवरीथिंग, डेलीगेट एवरीथिंग। मैंने बोला ना अभी आपको, आपने को एक बंदा है ऐसा हायर करना है जो आपको ग्रो करवाएगा, जो आप डेलीगेट कर चुके हो वो कर चुकी हो, जो बचा कुछ उसको डेलीगेट कर दो। अभी भी अगर आप खुद काम करते हो, खुद फैक्ट्री में हिसाब चेक करने, खुद बिल बनाने, खुद माल भेजने, खुद पेमेंट मांगने, अगर खुद कर रहे हो, कस्टमर को खुद फॉलो अप कर रहे हो, दिस इज द रेसिपी ऑफ डिजास्टर। अब नहीं करना, जितना हो गया हो गया। हैबिट 3, झूठ बोलना। और आप ये आप सब बोलते हो, कस्टमर को बोलते यार माल आया मेरे को यार 100 रुपए का, 105 का दे रहा हूं, आया 80 का होता, झूठ क्यों बोलना? अगर सच नहीं बोला झूठ भी मत बोलो उसको। वाइफ को बोलते मैं हाँ भाई लेट आऊंगा, कस्टमर आया हुआ है, आप कुछ और काम कर रहे होते हो, झूठ क्यों बोलना, सच बोलो। किसी जो एक बात बताओ, जब आप कस्टमर को कॉल करते हो और वो बोलता है भाई साहब सॉरी मैं ना मैं आपका पेमेंट करनी थी, मेरी ना यहाँ से आई नहीं है, ये था वो था वो था, आप क्या बोलते हो? साला झूठ बोल रहा है, बोलते हो ना साला झूठ बोल रहा है। सामने वाले को पता कि आप झूठ बोल रहे होते हो, फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है, एवरीबडी नोज कि झूठ कौन बोल रहा है। स्टॉप लाइंग, द पीपल हु लाई टू समवन वो नहीं आगे नहीं बढ़ पाते।
उनकी रीच बहुत कम होती है, उनकी छलांग बहुत कम होती है. स्टार्ट टेलिंग द ट्रूथ. व्हेन यू से ट्रूथ, बोलो कस्टमर को भैया ये इतने का है और ऐसे आएगा, इस धारा पे आएगा, मेरे को झूठ बोलना नहीं आता, सच ही है, चाहिए आपको माल तो बताओ. स्टॉप टेलिंग लाई. ना बच्चों को, ना वाइफ को, ना टीम को, ना कस्टमर को, ना वेंडर को. वेंडर को बोलते जहां से आपको माल आता है, भाई साहब आप 100 का दे रहे हो तो 90 का मिल रहा है, मिल रहा तो 110 का, क्यों झूठ बोलना यार 10 रुपए के पीछे, ना बोलना झूठ, वो भी 90 का मिल रहा है, मेरे को 80 का चाहिए आपसे, दोगे नहीं दोगे बताओ मुझे आप, सच बोलो उसको. एक बार सच बोलने सीखो तो सही, देखो सच बोल के क्या रिएक्ट, क्या रिजल्ट क्या आते हैं आपको. हैबिट 4, खरीदते कैश में है और भेजते उधार में है. सबसे बुरी आदत, खरीदना कैश या खरीदना 15 दिन की उधार पे और बेचना 30 दिन की उधार पे, खरीदना महीने पे बेचना 6 महीने पे उधार पे, बर्बादी की निशानी है. उल्टा करो, पानीपुरी मॉडल, खरीदना उधार है बेचना कैश है, या खरीदना 30 दिन पे और बेचना 15 दिन पे है. जब तक इसको रिवर्स नहीं करोगे लोन्स लेते रहोगे. हैबिट 5, जिसके पास मैक्सिमम कस्टमर CND है वो मरेगा ही मरेगा. चेक योर सेल्फ, आपके बिजनेस में 80% कस्टमर कौन से हैं, CD या ARB. अगर आपकी क्लाइंट लिस्ट में 80% कस्टमर ARB हैं, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता. अगर आपके बिजनेस में 80% कस्टमर COD हैं, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, हो गई हो गए. तो स्टॉप सेलिंग टू CND कस्टमर्स, चाहे काम बंद हो जाए साला, कर दो बंद थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन बंद करो, माइंड फ्रेश होगा, एंड स्टार्ट फाइटिंग A&B कस्टमर्स. हैबिट 6, आमदनी 98 खर्चा रुपया, इनकमिंग है 1 लाख की, खर्चा है 3 लाख का, पेमेंट आ रही है महीने में 3 लाख की, खर्चा है 6 लाख का, पेमेंट आ रही है महीने में 10 लाख की, खर्चा 20 लाख का है, या फिर कमा रहे हैं 50,000, खर्चा 3 लाख का है, फैक्ट्री का घर का मिला के बहुत बर्बादी है. आमदनी 1 लाख की है, खर्चा 2 या 3 लाख है, फैक्ट्री घर का मिला के, और खर्चा पूरा कैसे कर रहे हैं, या तो अपनी कैपिटल खा रहे हैं या लोन लेके खा रहे हैं, या अपनी कैपिटल पूंजी खा रहे हैं या लोन लेके खा रहे हैं. आज नहीं तो कल भेद खुलेगा ही खुलेगा, पर्दा उठेगा ही उठेगा. या तो खर्चा करो 54 या आमदनी करो 1 रुपया या 1.5 रुपया, या खर्चा करो 54 या 98 करो, या आमदनी करो 1.5 रुपया या 2 रुपया. अभी उल्टा हो रहा है, छोड़ दो बिना उसके खर्चे. बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना किसके लिए लेते, जरा बताना जरा. जो गाड़ी 10 लाख की है या 7 लाख की है वो भी पर्पस सॉल्व करेगी, जो गाड़ी 50 लाख की है वो भी पर्पस सॉल्व करेगी. यहां से वहां जाना है सिर्फ. 50 लाख की गाड़ी में आपके अंदर ईगो और आ जाएगी, मेरे पास BMW ऑलरेडी है, ऐसे उतरोगे यार जैसे कोई महाराजा उतर रहा है. नहीं, किसके लिए यार, किसको दिखाना किसको है. लोन लेके गाड़ी ले रहे हो और किस्तें नहीं भरी जा रही, यहां दिक्कत आ रही है, पेमेंट आ नहीं रही है. किसी प्रकार का भी ऐसा खर्चा जिसका कोई फायदा नहीं है, एंड रिजल्ट 0 है और खुद में अहंकार आता है, कोई फायदा नहीं है, मत करो. जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना, बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़े बड़े नौकर चाकर और ये वो होते हैं, उनके बच्चे ना बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते. लिखवा लो मेरे से, किसी भी लिखवा लो कागज पे. मैंने बताया नहीं हुआ कि मैं कितना कमाता हूं. मैं बोलता हूं भैया हम तो बिल्कुल मिडिल क्लास हैं, मेरा अकाउंट खाली है, बस ये बोला मैंने बच्चों को पीछे, अभी घर पे बैठा हूं मैं. दे शुड
जो मेहनत आपने की है, जो आपने ग्राइंडिंग की है आपने, उनको दिखाओ तो ग्राइंडिंग होती क्या यार, बच्चों को कौन दिखाएगा उनको? आप सेल्फ मेड हो, उनको भी सेल्फ मेड बनने दो ना। हैबिट 7, कम मार्जिन पे काम करना। आप में से कई लोग काम करते हैं 1% मार्जिन पे, नहीं। अगर बिजनेस का ट्रेंड ही ये है तो बिजनेस प्रोडक्ट चेंज करो, वर्टिकल चेंज करो। यहां जो चल रहा है उसको चलने दो, एक और वर्टिकल शुरू करो जहां पर मार्जिन डबल ट्रिपल क्वाड्रेबल हो। कम मार्जिन में काम नहीं करना, कम मार्जिन में काम करना मतलब लॉन्ग टर्म में लॉस। आज बेचा 2 रुपए में माल, लॉन्ग टर्म में वो लॉस दे रहा है, पक्का लॉस दे रहा है, 100% लॉस दे रहा है वो। हैबिट 8, डो नॉट हैव टाइम फॉर फैमिली चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सुबह शुरू हो जाना, रात को खत्म करना, घर आके सो जाना, ना टाइम बच्चों के लिए, ना वाइफ के लिए, ना फैमिली के लिए, किसके लिए कर रहे हो? एक दिन टिकट कटेगी, निकल जाओगे, किसके लिए किया? जो कमाया उसको यूज ही नहीं कर पाए, एंजॉय नहीं कर पाए, बैठे नहीं फैमिली के साथ। अभी आज नहीं बैठते आप बच्चों के साथ, कल को वो आपके साथ नहीं बैठेंगे। मिनिमम 2 घंटे दिया करो, पेरेंट्स वाइफ बच्चे, मिनिमम 2 घंटे निकालो। कर किसके लिए रहे हो बताना जरा, किसके लिए कर रहे हो? एम्प्लॉयज के लिए कमा रहे हो जिनको सैलरी देनी है, या कस्टमर के जिनको उधार दिया हुआ है उनके लिए कमा रहे हो? हैबिट नाइन, भगवान को याद नहीं करते, भगवान का शुक्रिया नहीं करते, उसका नाम नहीं लेते। जो सबको चला रहा है, जो सब कुछ दे रहा है, उसको ना याद करना, ना शुक्रिया करना, ना उसके लिए कुछ निकालना, ना उसकी कुदरत के लिए कुछ निकालना, सब बर्बाद है। मिनिमम 10% जहां से सब कुछ आ रहा है, मिनिमम 10% उसको वापिस देना है कुदरत को। ये लॉ है परमेश्वर का, ये परमेश्वर का लॉ है। अगर आप उसको देते हो 10% वापिस, वो आपको उससे 4 गुना वापिस देता है, 4 टाइम्स वापिस देता है। ये डेड लॉ है परमेश्वर का। अगर आप कमाते हो 1,00,000 रुपया और 1,00,000 का आप 10,000 देते हो परमेश्वर को वापिस, उसकी कुदरत को, उसके बंदों को, चाहे किसी की फीस भर दी, किसी का इलाज करवा दिया, किसी की रेंट दे दिया, परमेश्वर आपको 4 गुना वापिस देता ही देता है। उसका लॉ है ये उसका लॉ है, ये पक्का लॉ है उसका, कभी मान लेना इसको, बट हम नहीं करते, उसको याद नहीं करते, उसका शुक्रिया नहीं करते, उसका नाम नहीं लेते, भागी जा रहे हैं बस। आप सब जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप जाएंगे दरगाह के अंदर, उस परमेश्वर की दरगाह में, वो पूछेंगे वहां, ये नहीं पूछा कि हाँ भी तूने कमाया कितना है, नहीं, तेरी कोठियां कितनी है, तेरी गाड़ियां कितनी है, वहीं नहीं पूछा जाएगा। तूने किया क्या कुदरत के लिए बता, मेरे लिए तूने किया क्या है ये बता। हैबिट 10 बड़ी कीमती है। हैबिट 10, डू नॉट रिस्पेक्ट देयर स्पाउस या वाइफ। अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट ना करनी। उसको ग्रांटेड लेना, एवरीबडी अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो यार। राजकुमार जी, निश्चल जी, गिरीश जी, वीडियोस महेश जी, मैं बड़ा कीमती टॉपिक कर रहा हूँ। अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करनी, उसको टाइम ना देना, उसको ग्रांटेड लेना। लंच कर रहा था इसलिए ऑफ कर रहा था। अच्छा, मैं भी कर रहा हूँ, कोई नहीं, मैं भी शुरू कर रहा हूँ। उसको ग्रांटेड लेना, मैंने पहले शेयर किया, दोबारा कर रहा हूँ। अगर घर में सब, मैं एक बार
एक बार गया मैं, आई थिंक मैंने आपको बताई है, दोबारा बता रहा हूँ, मैं एक बार अपने वाइफ को और बच्चों को छोड़ के आया उनके नानी के हाउस, नानी के हाउस छोड़ के आया सुबह सुबह 6 बजे उनको, मैं वापस घर पे आके मैं अपना सो के उठ के काम पे चला गया। जब शाम को मैं ऑफिस से घर वापस आया शाम को 6:30 बजे, मम्मी घर पे थी, मैंने पूछा मम्मी बच्चे कहाँ हैं, पुनप्रीत कहाँ है, मेरी वाइफ कहाँ है। मुझे 5 सेकंड के लिए लगा यार अगर मेरे पास वाइफ और बच्चे नहीं है तो मैं कमा किसके लिए रहा हूं, किसके लिए काम कर रहा हूं, किसके लिए काम कर रहा हूं। फिर मुझे याद आया यार मैं उनको खुद छोड़ के आया था, बट 5 सेकंड के लिए लगा यार किसके लिए काम कर रहा हूं। नाउ चेक योर सेल्फ, अगर आपकी लाइफ में आपकी वाइफ और बच्चे या फैमिली ना हो, कोई भी नहीं, आप घर में अकेले हो, किसके लिए काम कर रहे हो, जरा बताओ मुझे, बताओ सोच के किसके लिए कर रहे हो, कुछ तो बोलो। मैं ही बोली आ रहा हूं, घर में वाइफ नहीं है और बच्चे नहीं है, फैमिली नहीं, किसके लिए काम कर रहे हो। अभी हम वो हैं, अभी उनकी वैल्यू नहीं करते हम जिनके लिए कर रहे हैं, तो आधा घंटा वाइफ के लिए, सिर्फ वाइफ और आप, बातें करनी है, बातें करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसका हालचाल पूछना है, उसी में खुश हो जाएगी, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको 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 ज्वेलरी नहीं चाहिए, उसको कंफर्ट नहीं चाहिए, उसको गाड़ियां नहीं चाहिए, उसको आप चाहिए, पूछ लेना उसे जाके, उसे पूछो मेरे पास 2 लाख रुपए हैं ये चाहिए मैं चाहिए, उसे पूछो जाके, बताएगी आपको वो। अच्छा कह रहा है कि दोनों चाहिए, लाइफ और वाइफ में थोड़ा ही फर्क होता है उनके स्पेलिंग में। यस हैबिट 11, लास्ट हैबिट जो मैंने लिखी, दे कंटिन्यू देयर बिजनेस विदाउट अ मेंटोर, अपने बिजनेस को बिना बिना दृष्टि के, बिना किसी मार्गदर्शन के कैरी ऑन करना। अगर आपके बच्चों के स्कूल में टीचर्स ना हो, सिर्फ किताबें और स्कूल हो, क्या वो पढ़ लेंगे, इम्पॉसिबल। वाइस वर्सा, अगर लाइफ में अगर टीचर ना हो, अगर लाइफ में गुरु ना हो तो परमेश्वर नहीं मिलता, अगर बिजनेस में मेंटर ना हो तो सक्सेस नहीं मिलता। आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस, जब तक मैं अपने बिजनेस को खुद कर रहा था मैं फेल था, बुरी तरह फेल था, बार बार फेल हो रहा था। 2015 में मैंने अपना मेंटर हायर किया और वो दिन आज का दिन है। उसके बाद 3 से पहले कोचिंग शुरू की बिना मेंटर के, बिना कोच के, फिर भी फेल हो रहा था दोबारा। पहले बिजनेस कोच हायर किया, वो चैप्टर खत्म हुआ, फिर कोचिंग शुरू की, कोचिंग कर रहा था बिना कोच के, फिर दोबारा फेल हो रहा था। उसने सिखाया मुझे कैसे बेचना है, कैसे कोर्सेज बनाने हैं, कैसे ग्रो करना है। तो बिना मेंटोर के बिजनेस आगे मत ले जाना, चाहे छोटा चाहे बड़ा है। और मेंटर कौन सा, मेंटर क्या होता है, मेंटोर क्या होता है भाई, कौन बताएगा, गाइडेंस देने वाले, कोच, मार्गदर्शक। मेंटर वो नहीं जिसका आप कोर्स कर लो, कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया 6 महीने का 4 महीने का, मेरा कोर्स कर लिया, नहीं नहीं नहीं, मेंटर वो नहीं होता। मेंटर वो होता है जो आपका हाथ पकड़ सके हर हफ्ते, बताओ भाई तूने किया क्या पिछले हफ्ते और अगले हफ्ते ये करना है, हर हफ्ते आपको बोले कि हाँ बताओ भाई तेरी रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो मैंने तेरे को ये होमवर्क दिया था, तूने क्या किया और आगे क्या करना है बता, वो बताएगा आपको अगले हफ्ते क्या करना है। वो होता है मेंटर, जब से रोज बात कर सके, बताओ भाई तेरी क्या अकाउंटेबिलिटी है, वो मेंटर होता है। हायर योर मेंटर्स, बिजनेस अगर छोटा है तो बड़ा भी वो करवाएगा, अगर बड़ा तो और बड़ा करवाएगा, वो स्टेबल करवाएगा। हायर योर मेंटर, पहले बड़ी बात किसी की। वैसे आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा आपको। थैंक यू। 11 हैबिट्स हैं, ये मेरे लाइफ लेसन है सारे, जो मैंने आज तक लाइफ लेसन सीखी, मैंने आपको सारे सिखा दिया आज आधे घंटे में। दीज आर लाइफ लेसन्स, जस्ट इम्प्लीमेंट देम। इनमें से कुछ भी करने से अगर नुकसान हुआ तो मेरे पे आ जाना, आई विल पे द नुकसान।